हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज की तरफ। सबसे पहले जो न्यूज आई है वो आई आज तुगलक डायनेस्टी के बारे में, यानी तुगलक जो काल था, फिरोज शाह तुगलक की बात बेसिकली यहाँ पे की गई है। अब देखो न्यूज में क्या था, इसका रीजन बता देता हूँ। अभी आपको पता है कि दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम था, इसका नाम चेंज करके अरुण जेटली जी के नाम पे है वो रखा जा रहा है, तो इसीलिए न्यूज में आया है। तो मतलब इम्पोर्टेंट भी हो जाती है तुगलक डायनेसिटी, तो हमें थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। देखो वैसे तो कुछ फैक्ट ये है कि तुगलक जो डायनेसिटी है ना, इसकी शुरुआत है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, जिसे हम हिस्ट्री में MBT के नाम से जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक का डायनेसिटी की शुरुआत है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। और देखो काफी सारे हिस्टोरियन है, इतिहासकार, वो ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक है वो एक अच्छा शासक नहीं था, जिसने ढंग से काम नहीं किया वगैरह वगैरह। देखो वैसे अगर आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसी थी ना वो तो सही थी, बट उस टाइम की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो उनको इम्प्लीमेंट कर पाता, या फिर वो उन्होंने उसने जो भी पॉलिसी बनाई वो उन पर रुक नहीं रहा था। मतलब उसने आज एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की, अगर वो 15-20 दिन या 1-1.5 साल काम नहीं कर रही थी तो फिर वो नई पॉलिसी लेके आ जाता, तो इसलिए उसमें धैर्य की आप कमी बोल सकते हो। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक का काल आपने हिस्ट्री में, सॉरी मिडिल हिस्ट्री में काफी पढ़ा होगा आई होप। तो अब हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे तुगलक डायनेस्टी किसकी, यहाँ पे हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की बात, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मेन कंटेक्स उसी को लेके है। बाकी तो खैर फिरोज शाह तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह वो तो है ही है। देखो आपको थोड़ा बताऊं कि जो फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक था, बेसिकली इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इसीलिए बाद में तुगलक डायनेसिटी में जो राजा बनाया गया वो बनाया गया था यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक को। और फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है शासन का वो था 1351, यानी कि 1351 से लेके 1388, लगभग 37 ईयर इसने राज है वो किया था दिल्ली में। वो काफी सारे अच्छे काम भी किए, वो तो आगे है वो हम देख लेंगे। ये ध्यान रखना वैसे ये थर्ड रूलर था तुगलक डायनेस्टी का, बीच में एक रूलर भी बना था बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो हम उसको इतना ज्यादा डिस्कस है वो नहीं करेंगे। हाँ ये ध्यान रखना है कि थर्ड रूलर था तुगलक डायनेस्टी का, सबसे पहले तुगलक कौन था जो मैन राजा था मतलब तुगलक काल का, वो था यहाँ पे ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। देखो जो ये तुगलक डायनेसिटी है, हम बात करें यहाँ पे आज फिरोज शाह तुगलक की, इसके द्वारा कुछ डिपार्टमेंट बनाए गए थे जिन पे अक्सर UPSC कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है, जैसे कि जो ये यहाँ पे थे फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने जो दान है मतलब चैरिटी है इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवान ए खैरात। ये रहा यहाँ पे आप देख सकते हो, दीवान ए खैरात जो डिपार्टमेंट था वो चैरिटी के लिए, दान के लिए था, क्योंकि उस टाइम पे भूखमरी से काफी प्रॉब्लम बढ़ जा रही थी, इसीलिए उन्होंने ये डिपार्टमेंट है वो खोला था। इसी के साथ ही एक और था, वो था दीवान ए बंदगान। तो दीवान ए बंदगान जो डिपार्टमेंट था वो बेसिकली स्लेव, यानी कि जो गुलाम होते थे उस टाइम पे। देखो आपको बता दूं कि तुगलक डायनेसिटी में फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे सबसे ज्यादा गुलाम थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे लगभग जो गुलामों की संख्या थी वो थी 1,80,000 के समथिंग, कि इतने गुलाम है वो उसके लिए काम है वो क्या करते थे। इवन जो टैक्स वगैरह नहीं दे पाता था उस इंसान को कहा जाता कि भाई वो गुलाम भी दे सकता है, मतलब स्लेव देने की प्रथा भी उस टाइम पे चलती थी। उस टाइम पे देखो वैसे तो काफी सारे टैक्स थे, अप्रोक्सीमेट मतलब तुगलक डायनेस्टी थी लगभग 23 टैक्सेस चलते थे उस टाइम पे टोटल, बट फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, मेनली 4 ही टैक्स रखे थे। कौन से वो 4 टैक्स थे वो हम यहाँ पे एक एक करके वो यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो था खैराज, खैराज ये था कि भाई साहब आप जमीन यूज कर रहे हो तो आपका जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका 1/10% लगान एक तरीके से आप इसे कह सकते हो, ये ध्यान रखना इसकी मात्रा 1/10% थी। इसके बाद में एक था जकात, जकात ये था कि भाई कोई भी मुस्लिम से अगर किसी अदर नॉन मुस्लिम पर्सन ने प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है तो उसे 2.5% उस प्रॉपर्टी की रेट का टैक्स है वो देना पड़ता था, उससे कहा जाता था जकात। इसके बाद में एक हो जाता है यहाँ पे खाम, खाम है वो बेसिकली ये था कि भाई साहब जो भी उन्होंने लूट का सामान लूटा है, खाम ये इसे खुमस के नाम से भी जाना जाता है, खुमस ये आप ध्यान रखना, मतलब हिंदी में कई जगह आपको खुमस भी लिखा हुआ मिलेगा। तो खुमस है वो ये था कि जिस भी सोल्जर ने लूट का सामान, जैसे मान लो कि उसने 100 किलो सोना लूटा है तो उसका 1/5 है वो राजा को देना होगा, बाकी वो खुद है वो रखेगा। इसके साथ ही एक था जजिया, जजिया ये ध्यान रखना कि नॉन मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था, ये आपको ध्यान में रखना है, ओनली हिंदुओं से नहीं, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है नॉन मुस्लिम, मतलब मुस्लिमों के अलावा जो बाकी और कम्युनिटी धर्म थे उनसे टैक्स लेता था जजिया। इसमें बेसिकली महिलाओं, छोटे बच्चों को छूट है, बड़े बुजुर्गों को दी जाती थी, ये आपको ध्यान में रखना है।
एक टैक्स और था मुस्लिमों से लिया जाता था जिसका नाम था जकात। ये भी आप ध्यान रखना, जकात है वो बेसिकली मुस्लिमों पर टैक्स लगाया जाता था धर्म को लेके, यानी कि जकात है वो मुस्लिमों का एक धार्मिक टैक्स था। ये आप ध्यान है यहाँ पे रखना है कि जकात क्या था, मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला धार्मिक टैक्स। और हाँ ये ध्यान रखना कि जजिया वैसे ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जजिया है वो ब्राह्मणों पे भी इंप्लीमेंट किया था, इसलिए इसका पुरजोर विरोध है उस टाइम पे किया गया था। तो इस प्रकार जो बाकी और टैक्स थे इसको इसने हटा दिया था, मतलब तुगलक डायनेस्टी में फिरोज शाह तुगलक ने, और ये बाकी चार पांच इंपोर्टेंट टैक्स यहाँ पे रखे गए थे। अब बात है कि उस टाइम पे जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, मर्चेंट जो करते थे, इनको भी कुछ ना कुछ फैसिलिटी तो चाहिए, तो इनके लिए बेसिकली सराय बनाए गए थे। सराय आप ऐसे बोल सकते हो एक तरीके से धर्मशाला टाइप की, कि भी व्यापारी अगर आपके राज्य में आए हैं तो उनको रुकने की जगह वगैरह चाहिए, तो वो थी सराय। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो व्यापारी वगैरह होते थे उनका रेस्ट हाउस होता था, उसको कहते थे सराय। इसके साथ ही अगर हम और यहाँ पे बात करें तो इसने काफी सारे अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क है इनको एडोप्ट है वो यहाँ पे किया था। एक था इक्तादारी, इक्तादारी जो फ्रेमवर्क था ये भी एडोप्ट किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और जो हम बात करें कि भाई इतने टैक्स थे, इनमें से चार पांच टैक्स रखे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का या राजा का रेवेन्यू कम होगा। इसके लिए ये प्रावधान किया गया था कि काफी सारे बाग बगीचे लगाए गए थे ताकि वहां से जो इनकम है उसको अरेंज किया जा सके। अब देखो बाग बगीचे लगाए गए तो इसके लिए सिंचाई की सुविधा भी रखनी पड़ी थी, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई थी, उन्होंने काफी अच्छा काम है वो किया था, काफी नहरें, काफी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि छोटी मोटी तालाब वगैरह का निर्माण उन्होंने खूब किया था। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को फादर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। ये आप एक फैक्ट ध्यान रखना, बेसिकली ये उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई है। इसके साथ एक दो छोटे मोटे और टैक्स की बात करें, जैसे इरिगेशन टैक्स था, क्योंकि जो राजा की नहर है उससे सिंचाई कर रहे हैं तो उनको छोटा मोटा टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर गार्डन को यूज करें तो गार्डन टैक्स था, और इसी के साथ ही यहाँ पे ऑक्टेरी टैक्स था, सेल्स टैक्स था, ये छोटे मोटे टैक्स थे, पर जो मेजर टैक्स थे वो इसने काफी कम है वो कर दिए थे। ये आपको कुछ फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखने। इसी के साथ देखो उसने कुछ कैनाल बनाई थी, तो उनका मैं आपको थोड़ा नाम यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि आपको बताऊं कि सतलज और यमुना पे मैनली कौन कौन सी रिवर्स है वो ध्यान रखना, सतलज और यमुना, इन दो रिवरों पे इसने कैनाल बनाई थी। और उसके बाद में जो कैनाल थी उसी को बाद में अकबर ने इन कैनालों को आगे इम्प्रूव किया, और बाद में जो यमुना पश्चिमी यमुना नहर है वो बेसिकली इन्हीं को नाम से जाना जाता है। तो छोटा सा फैक्ट ध्यान यहाँ पे रख लेना, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर लिए हैं डिपार्टमेंट वगैरह। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है UNCCD, यूनाइटेड नेशन का CCD है, देख लेते हैं भाई क्या सीन है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। देखो आपको पता है कि पूरे विश्व में मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है। मरुस्थलीकरण का मतलब ये है कि भाई वहां पे कोई भी स्पीसीज अब नहीं उग पा रही है, मतलब जमीन बंजर होती जा रही है। तो आप ये कह सकते हो कि बंजर जमीन का एरिया हर साल बढ़ता जा रहा है, और इसी को काउंटर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए UNCCD कन्वेंशन ये काम है वो करती है। बेसिकली 1994 में इसको बनाया गया था, अभी तक इसकी वो 97 कंट्रीज हैं वो मेंबर या पार्टीज हैं। ये ध्यान रखना जिस भी कंट्री ने UNCCD को कन्वेंशन को साइन किया है उसके ऊपर ये लीगली बाइंडिंग हो जाती है। और हाँ देखो हमने पहले डिस्कस किया था बट खैर हम वापस देख लेते हैं कि एजेंडा 21 किसके लिए था, 21st सेंचुरी के लिए था, ये ध्यान रखना आप। तो एजेंडा 21 जब हुआ था, अर्थ सबमिट हुआ था, तो काफी सारी बातें आई थी, मतलब काफी सारे आप ये बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट या रिजल्ट सामने आए थे, और उन्हीं एक रिजल्ट में से था UNCCD, यानी कि डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए एक प्रोग्राम है वो UNCCD स्टार्ट है वो किया गया था, जो कि डायरेक्टली एजेंडा 21 से निकला हुआ है। तो ये आपको कुछ फैक्ट ध्यान रखने हैं। अब बात ऐसी है कि UNCCD का काम क्या है। देखो UNCCD का काम यह है कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट, आपको पता है दोनों ही एक तरीके के अपोजिट होते हैं। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का नुकसान होता है, अगर आप इन्वायरमेंट को प्रमोट कर रहे हो तो डेवलपमेंट को थोड़ी दिक्कत है वो आएगी। तो जो UNCCD है ना वो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट है इसको सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। UNCCD का सीधा सीधा ये कहना है कि देखो भाई डेवलपमेंट अच्छी बात है करना है, लेकिन हमें इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों को पैरेलल लेके चलना है,
हमें ऐसा काम करना है कि जिससे लैंड को मैनेज किया जा सके सस्टेनेबल तरीके से, यानी कि जमीन का नुकसान नहीं। जमीन का नुकसान मतलब जमीन बंजर नहीं होनी चाहिए, हमें ऐसे काम करना है। अगर कहीं जमीन थोड़ी खराब हो रही है तो हमें उसकी वापस पूर्ति करनी है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी हो रही है, कौन से उसमें फास्फोरस की कमी है, सल्फर, जिस भी कमी है उसको हमें दूर है वो करना है। तो ये इसका मेन मोटो है। अब देखो, अभी बात ऐसी है कि काफी सारे एरिया में, मतलब मैंने जो एरिया सूखे रहते हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती, उन एरिया में आपको पता है बंजर जमीन ही होगी, क्योंकि वहां पे पानी नहीं है तो पेड़ पौधे कैसे उगेंगे। तो बेसिकली जो एरिड यानी एकदम सूखे एरिया, सेमी एरिड, यहाँ पे थोड़ी बहुत नाम की गिनी चुनी बारिश होती है, और ड्राई सब ह्यूमिड, मतलब वहां पे भी थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी सी है, इन सारे एरियो को कहा जाता है बेसिकली ड्राई लैंड। और इन्हीं एरियो में बंजर भूमि की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, और इसी एरियो पर ज्यादा फोकस करता है यूएनसीसीडी। बात ऐसी है कि अभी 2018 से 30 को, 2018 से लेके 2030 के बीच में एक स्टैटिक फ्रेमवर्क है वो साइन किया जा रहा है, या बोल सकते हो ऊपर फोकस किया जा रहा है यूएनसीसीडी का। इस फ्रेमवर्क का मोटो ये है कि भाई हम है ना लैंड डिग्रेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करें एट एनी कॉस्ट ग्लोबल लेवल पे। यानी एक वादा किया गया है पूरे ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल एक तरह से कमिटमेंट की गई है कि भाई हमें लैंड डिग्रेशन न्यूट्रलिटी को अचीव है वो करना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है क्या। देखो आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल से ये मान लो कि ये हमारी पूरी अर्थ है, और ये मान लो कि इसका अभी तक इतना हिस्सा बंजर है, अभी तक ये मान लो कि 2019 में इतना हिस्सा बंजर है ये वाला आपको दिख रहा है। हर साल आपको पता है कि या आज के टाइम पे इन्वायरमेंट इतना ज्यादा डिग्रेड होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, कि बंजर भूमि की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी ये कहता है कि भाई साहब इतना तो ठीक है आपका एरिया बंजर है कोई बात नहीं, आप हर साल ये मान लो कि 1 हेक्टर, ध्यान रखना इतना तो हो गया ठीक है कोई बात नहीं, ये मान लो कि ये टोटल 100 हेक्टेयर जमीन थी, ऐसे समझ लो 100 हेक्टेयर जमीन थी, और अभी तक हमारे पास टोटल ऑल ओवर में 10 हेक्टेयर जमीन है वो बंजर है। अब हर साल ये मान लो कि एक हेक्टेयर जमीन है वो बंजर होती जा रही है, मतलब अगले साल इतनी जमीन बंजर हो जाएगी। तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का ये कहना है कि आप जो ये 1 हेक्टेयर जमीन बंजर कर रहे हो ना, ये बंजर हो इससे पहले ही आप 1 हेक्टेयर जमीन को वापस उपजाऊ भी बनाओ। मतलब समझ में आया कि हमें ये जो 10% है इसी को मैनेज करके रखना है, हमें ये नहीं कि बंजर भूमि की संख्या बढ़ती जाए, हमें इसी को काउंटर करना है, यहाँ पे हमें न्यूट्रल बैलेंस स्थापित करना है। और उसके बाद में पहली चीज तो क्या है कि हमें इसी पे फोकस करना है कि न्यूट्रल रहे, आगे नहीं बढ़े। और अगर बाद में आपके पास टाइम है, आप बोल सकते हो कि आपके पास हिम्मत है, तो आप इसको जो 10% जमीन बंजर है इसको भी आप धीरे धीरे थोड़ा कम करो, ताकि हम वापस से इसको रिकवर कर सकें। तो यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का मतलब सीधा सा यही है कि जितनी जमीन हर साल बंजर हो रही है उसको आप रिकवर करो वापस। जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल ये मान लो कि 1 हेक्टेयर जमीन है वो बंजर होती जा रही है, तो वही हमें क्या करना है, हमें भाई साहब 1 हेक्टेयर जमीन यहाँ पे अगर बंजर हो रही है तो हमें कहीं और पे उसको मैनेज करना है, ये मान लो इधर है मैनेज करना है। जैसे कि इंडिया में एक ये मान लो कि 1 हेक्टेयर जमीन बंजर हो रही है, तो हमें उसको यूएसए में, रशिया में, कहीं भी उसको मैनेज करना है, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड का जो आप बोल सकते हो कि लेवल है इन्वायरमेंट का वो मेंटेन रह सके। ये है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ACOI। देखो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ इतना सा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि ये है क्या और किसके साथ इंडिया ने साइन कर रखा है। आपने स्विस बैंक का नाम सुना होगा, स्विट्जरलैंड में है, वहां पे आपको सुना होगा कि काफी सारा काला धन पड़ा है इंडिया का, बहुत न्यूज में था कुछ टाइम पहले, बस वही है। तो आपको बताया इंडियन गवर्नमेंट ने स्विट्जरलैंड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी वहां पे पैसा, इंडियन लोगों का पैसा है, उसकी इंफॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। अब बात ऐसी है कि देखो जो डेवलप कंट्री है ना, जैसे कि स्विट्जरलैंड हुआ, और भी आप बात करते हो डेनमार्क, ऐसी कंट्रीज, इनके पास क्या है कि इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, मतलब इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब होता क्या है, वहाँ पे टैक्स वगैरह है वो भी कुछ लिमिटेड ही होते हैं, तो इंडिया के जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं टैक्स चोरी करके, या आप बोल सकते हो कि टैक्स से बचने के लिए क्या करते हैं, वहां पे बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उससे निजात पाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरह से, आप बोल सकते हो कि ये एग्रीमेंट या जो ये टाइप है वो स्विट्जरलैंड के साथ किया था। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि ये भी रिसेंटली ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन न्यूज में था, किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है, इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में साइन हुआ था। है किस लिए, ग्लोबल जो टैक्स चोरी होती है इसको रोकने के लिए है,
इसी के साथ ही जो बल्क टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअली सोर्स कंट्री को दे दी जाएगी, मतलब जो इंडिया के टैक्स पेयर है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया को दी जाएगी, और वहीं पे इंडिया भी सारी इन्फॉर्मेशन स्विट्जरलैंड की कंट्री को देगा कि भाई साहब आपके ये लोग यहाँ पे काम है। तो एक तरीके से ध्यान रखना, जो डबल टैक्स एंटी अवॉइडेंस जो प्रोग्राम है ना DTAA, उसके तहत ये साइन है वो किया गया था। बस ये एक न्यूज है वो भी आई है। नेक्स्ट जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है वो है बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। देखो बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है वो गूगल और इसी के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो मिट्टी मिनिस्ट्री है अपनी और गूगल, इन दोनों का एक प्रोग्राम है क्या? इस प्रोग्राम का मोटो यह है कि हमारे देश में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाए ताकि वो मार्केट के अकॉर्डिंग हो और टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो, और उसका फायदा ये हो कि हमारे देश के जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं इनसे निपटा जा सके। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे देश के जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं इनका किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए और जो अच्छी बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज हैं इनका यूज करके हम इन प्रॉब्लम्स को काउंटर कर सकते हैं, इसके लिए एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत। किस किस का है? गूगल और मिट्टी। ये आप ध्यान रखना कि वह गूगल का है प्रोग्राम, यूपीएससी दे सकते कि माइक्रोसॉफ्ट और मिट्टी का नहीं, गूगल का है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो यह है समुद्रयान प्रोजेक्ट को लेके। समुद्रयान प्रोजेक्ट क्या है हम देखते हैं। देखो बात ऐसी है, जैसे समुद्र के अंदर यानी कि ओशियन महासागर हैं, इनके पेंदे में आप बोल सकते हो कि काफी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत ही अथाह भंडार है यहाँ पे समुद्र में, और उनका काफी बड़ा यूज है वो होना ही होना है। तो इसीलिए क्या है, इंडिया वर्ल्ड की पहली ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जिसको समुद्रयान जैसा प्रोजेक्ट करने की तरफ अग्रसर है वो किया गया है। ध्यान रखना डेवलपिंग कंट्री की बात की जा रही है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो कि समुद्र में जो पेंदे में आप बोल सकते हो कि जो काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं मिनरल्स हैं उनकी स्टडी करेगा और उनको एक तरीके से बाहर भी निकालेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। डीप सी माइनिंग, डीप ओशियन माइनिंग। डीप ओशियन माइनिंग का मतलब ये होता है कि समुद्र की गहराई में जाके माइनिंग या खनन करना और उसकी स्टडी करना, अभी जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह हैं उनको बाहर एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ये है समुद्रयान प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री है यहाँ पे वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। और ये ध्यान रखना इसमें होगा क्या, ओशियन की माइनिंग की जाएगी और इसी के साथ ही रेयर मिनरल जो कि काफी दुर्लभ खनिज होते हैं इनकी भी स्टडी की जाएगी और उनको भी बाहर निकाला जाएगा। देखो जो रेयर मिनरल होते हैं ना इनकी इंपोर्टेंस काफी ज्यादा होती है, इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं और इनकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत है, वो स्पेशल होती है। वैसे तो मिनिस्ट्री तो ये होगी बट मिनिस्ट्री के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT। ये बेसिकली इसकी सारी जिम्मेदारी वो यहाँ पे लेके काम है वो करने वाला है। अब देखो समुद्र के पेंदे में क्या है कि मिनरल्स के गुच्छे पाए जाते हैं। आप ये बोलते हो कि मतलब काफी सारे, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीज है, आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, लेड है, यहाँ पे मेलिब्डेनम है, केडमियम है, टाइटेनियम है, तो ये ऐसे जो मिनरल्स है ना खनिज हैं ये क्या है गुच्छों की फॉर्म में पाए जाते हैं बहुत ही ज्यादा, मतलब यहाँ पे प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे मान लो कि आलू जैसे गुच्छे हैं वो होते हैं तो इनमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं, तो इनको हमें बाहर निकालना है। बट इनके लिए काफी चैलेंज क्या है, समुद्र की बहुत गहराई में होते हैं इसलिए इनको निकालना बहुत मुश्किल है वो हो जाता है। तो इंडिया के जो इंडियन ओशियन है इसमें बहुत बड़ा रिजर्व है वो बताया जा रहा है, लगभग उम्मीद की जा रही है कि 380 मिलियन टन के आसपास यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, और अगर इंडिया इसमें से 10% भी मतलब मिनरल्स को बाहर निकाल लेगा या इनको मतलब बाहर निकालेगा तो इंडिया की 100 साल की लगभग एनर्जी सिक्योरिटी जैसी डिमांड है वो कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये यहाँ पे उम्मीद है वो की जा रही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पॉलीमेटेलिक नूडल्स कौन से होते हैं। देखो पॉलीमेटेलिक नूडल्स का मतलब होता है मैग्नीज नूडल जो कि समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं, और इनमें मैग्नीज होता है, आयरन होता है, निकिल कोबाल्ट कॉपर होता है, लेड होता है, मोलिब्डेनम होता है, केडमियम होता है, टाइटेनियम होते हैं, ऐसी काफी इंपॉर्टेंट धातुएं हैं मिनरल्स है वो यहाँ पे मेटल्स पाई जाती हैं, तो ये इसीलिए प्रोजेक्ट है वो अंजाम दिया गया है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ टाइम पहले इंडिया को इंडियन ओशियन में जो ये रेयर मिनरल्स या फिर पॉलीमेटेलिक नूडल्स हैं इनको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए एक परमिशन दी गई थी, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
और आपको बता दूं कि टेलीग्राम पे एक चैनल है वेलकम यूपीएससी के नाम से, वहां पे आपको डेली दो चार क्वेश्चन है वो मिल जाते हैं, तो प्लीज आप जाके उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट है वो जरूर कीजिए, और उनके आंसर भी आपको वहां पे है वो मिल जाएंगे। इसी के साथ ही इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो वेलकम यूपीएससी, वहां पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो प्लीज आप डेली क्वेश्चन अटेम्प्ट है वो किया करें। तो फिलहाल इतना ही है, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।